एक छोटे से शहर के सबसे जाने माने स्कूल के रोहित और अदिति सबसे होनहार छात्रों में से थे। इनकी पढ़ाई भी एक साथ होती और प्रतियोगिताओं में भी एक साथ स्कूल का नाम रोशन करते। इन दोनों दोस्तों की रुचि पत्रकारिता में थी, इसीलिए साथ साथ सारी जानकारी एक दूसरे से बांटते थे। ये लो बेटा, अगली बार और मेहनत करना। थैंक यू पापा, अब मैं और मेहनत करूंगी। ये लो बेटा, अगली बार और मेहनत करना। इन दोनों की दोस्ती गहरी तो थी, पर मोबाइल के जरिए इनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और गूगल व्हाट्सएप के लिए ज्यादा टाइम निकालने लगे। इनका सारा समय अब सोशल मीडिया में व्यस्त रहता। घंटों सोशल मीडिया पे लगे रहने से अदिति की पढ़ाई में और रोहित के खेल प्रदर्शन में फर्क पड़ने लगा, जिसकी वजह से कोच ने रोहित को टीम से बाहर भी निकाल दिया। एक दिन जब दोनों साइकिल पे जा रहे थे तो रोहित झपकियां लेता हुआ दिखा। अरे तुम तो झपकियां ले रहे हो। हाँ यार, ग्रुप चैट पे लगातार मैसेजेस आ रहे थे। हाँ, बीच रात में मैं भी उठ गई थी, फिर मैंने फोन ऑफ कर दिया और सुबह देखा तो 100 मैसेज। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, मेरा भी पढ़ाई पे कम और फोन पे ज्यादा ध्यान रहता है, क्यों ना हम इसका कोई उपाय ढूंढें? उस शाम से अदिति और रोहित ने अपने मोबाइल के उपयोग पर ध्यान देना शुरू कर दिया और समझ आया कि दोनों रोज 8 घंटे फोन पे नष्ट कर देते हैं। अब वो हर रोज 4 घंटे के लिए फोन को साइलेंट मोड पर लगाने लगे। ग्रुप चैट पे बतियाना भी कम हो गया और हफ्ते में एक दिन फोन स्विच ऑफ किया जाने लगा। उन्होंने ठान ली कि सिर्फ समझदारी से ही सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। कुछ ही महीनों में रोहित फिर से फुटबॉल टीम में चुना गया और कैप्टन घोषित हुआ और अदिति अपने कॉलेज एडमिशन पर ध्यान देने लगी। उनमें आए इस बदलाव को और बच्चों ने भी समझा और कई दोस्तों ने उनकी इस राह को चुना। क्यों ना हम पढ़ाई और लोकल समाचार के 2 अलग-अलग ग्रुप बनाएं? हाँ, फिर हम सब आसपास की जरूरी खबर शेयर कर सकेंगे और आपस में ही होमवर्क का हल निकाल लेंगे। टीचर्स भी खुश और हम भी। रोहित, तुम इन ग्रुप के संचालक बन जाओ, तब सब सही रहेगा। तो ठीक है, अब से मैं समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँगा। अब सोशल मीडिया पे भी होमवर्क और करियर की बातें होने लगी और इनके ग्रुप साफ सही समाचार ने बहुत बच्चों की दिलचस्पी जीती, जिसने समाज की मदद भी की। हम हर दिन लगभग 8 घंटे अपने फोन पे लगे रहते हैं और होमवर्क के समय फटाफट गूगल पे देख करके लिख देते हैं। गूगल से हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ना कि नकल करनी चाहिए। हम समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और आप? और सबको समझ आया कि सोशल मीडिया का उपयोग हमारे हाथों में है और इस तरह इन दोनों ने सारे छात्रों को एक नया रास्ता दिखाया, जिससे सोशल मीडिया का सही उपयोग होने लगा। संस्कार शाला से जुड़ने के लिए देखें, सुनें और पढ़ें